से ये तो आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एडवोकेट शारिक शेख के पास में। बता दें आपको कि कल कलवा में राज ठाकरे की जो है जो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की जो युति की महासभा थी, वहाँ पे मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने प्रवेश किया था और अपनी इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुमरा का नाम लेकर के मुमरा के कुछ लोगों को आतंकवादी वगैरह का विवादित बयान दिया, जिसको लेकर के शारिक शेख जो एडवोकेट है उन्होंने नाराजगी जताते हुए मीडिया से क्या बात की है हम आपको दिखाते हैं। शारिक भाई, आप एक एडवोकेट भी हैं और एक एनसीपी के कार्यकर्ता भी हैं। आज आपने जिस तरह से बैठक बुलाई है, पत्रकार परिषद रखी है, क्या एक एनसीपी के लीडर होने की वजह एडवाइजर के तौर पे बुलाया है या एक एडवोकेट होने के तौर पे बुलाया है? एक मुमरा का रहवासी होने के तौर पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मुमरा का होने की वजह से और बीइंग अ मुस्लिम मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कोई भी पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं है मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने के लिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि कल जो राज साहब ठाकरे ने कलवा में अपनी सभा के दौरान जो अंतिम 3 मिनट थे उसमें उन्होंने बता दिया कि उनका माइंडसेट क्या है, वो दिल्ली क्यों जाते हैं, ये चीजें उन्होंने क्लियर कर दी। अंतिम 3 मिनट में उन्होंने मुमरा के बारे में कहते हुए कहा है कि सिमी के 6 अरेस्टेड फ्रॉम मुमरा, हिजबुल के 4 अरेस्टेड, ऐसे करके बहुत सारी उन्होंने लिस्ट बताई। तो जिसका काउंटर मैं देना चाहता हूं आप लोगों को कि जो सिमी के 6 अरेस्टेड थे मुमरा से, उसमें बहुत सारे 122 एक्यूजर्स थे। द एक्यूज बिलोंग टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गुजरात एज वेल एज फ्रॉम तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। मुमरा होने की वजह से, एक मुस्लिम गेटो होने की वजह से मुमरा को पर्सनल टारगेट करके राज साहब ने इसके पहले 2-3 बार भी और ये चीज कर चुके हैं, लेकिन उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि एक बड़े नेता है, उनको एक मान सम्मान दिया जाता है इसलिए। लेकिन मुस्लिम तबका किसी की सहायता नहीं, और ये पॉलिटिकल टाइम पे आप ये ऐसा स्टंट करेंगे तो लोग एक्सेप्ट कैसे करेंगे बीजेपी? और पीछे बैठे हैं हमारे श्रीकांत जी शिंदे साहब, उनकी छवि क्या जाएगी मुमरा के लोगों के प्रति? और ये उन्होंने हवाला दिया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का, ये दिखा दीजिए आप अपने व्यूवर्स को, एक सेकेंड। ये मैं पढ़ के सुनाऊंगा पूरा आपको। इसपे उन्होंने कहा था कि मुमरा कितना खराब शहर है और यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी किस तरीके से होती है, ये टाटा इंस्टीट्यूट के सोशल साइंस के रिपोर्ट ने बता रहा है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, अ स्टेटस रिपोर्ट ऑन मुमरा बाय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मेंशन दैट द पॉपुलेशन ऑफ मुमरा इंक्रीज्ड इन द लास्ट 3 डिकेड्स ड्यू टू द राइट्स इन भिवंडी विच टुक प्लेस ऑन 1984 फॉलोड बाय द राइट्स ऑफ मुंबई इन द 1992। ये बता रहा है कि 1992 में जो बॉम्बे में राइट्स हुए और जो भिवंडी में 1984 को राइट्स हुए, उस राइट्स के बाद जो लोग माइग्रेट हुए हैं वहां से वो मुमरा में रहने के लिए लोग आए। उसके बाद द रिपोर्ट स्टेट्स नाना भगत द सरपंच ऑफ मुमरा गांव ड्यूरिंग द 1970s वॉज नोन फॉर द एस्टूडेंस एंड सेक्युलर आउटलुक। आप सभी जानते हैं मुमरा देवी पे नाना थे, उन्होंने सबका यहाँ पे स्वागत किया। नॉट ओनली डिड अ प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर क्लासेस, कास्ट एंड क्रीड, बट ऑल्सो नरेटेड द वैल्यू ऑफ द पीसफुल लिविंग अमंग्स द रेसिडेंट ऑफ मुमरा कौसर। उन्होंने सबको नरिश किया, यहाँ पे संभाला, देखभाल किया, उनको रखा रुकाया। द रेसिडेंट ऑफ मुमरा कौसर टेक प्राइड इन नॉट हैविंग एक्सपीरियंस कम्युनल राइट्स इवन आफ्टर बॉम्बे बर्न। बंबई जलता रहा 92 के फसाद में, उसके बाद भी मुमरा लोग प्राइड करते हैं, मुमरा कर प्राइड करता है कि मुमरा में कभी भी कम्युनल दंगे नहीं हुए। ये जो हिंदू मुस्लिम की जो पीस है यहां पर जो मुमरा में, वो इतने सालों से स्टैब्लिश है और मुमरा में आज तक एक भी राइट्स नहीं हुआ है। ये जो इंस्टीट्यूट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जिनका ये सोशल स्टडी साइंस का उन्होंने रेफरेंस लिया है, यानी कि रिपोर्ट में कुछ और है और कोर्ट कुछ और रिपोर्ट कर रहे कुछ हैं। और है, वो कोर्ट कुछ और कर रहे हैं। ये रिपोर्ट की कॉपी मैं आप लोग को सप्लाई कर देता हूं। हमारे साथ देव साहब भी हैं तो इसके जो लिए यहाँ क्या क्या कानूनी कार्रवाई करने वाले हो बताओ। कानून देखिए, पॉलिटिक्स अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, उनको फेम की जरूरत नहीं है। शारिक भाई, जो जो शुरू में आपने
कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था सिमी के कनेक्शन से, आतंकवादी ग्रुप्स के कनेक्शन, उन पे अब तक साबित हुआ है या नहीं? एक गुना जो है वो डिसाइडेड है, लेकिन उसमें सबको एक्विटल दिया गया है। 122 आरोपी थे, गुजरात कोर्ट एक्विटेड 122 पर्संस चार्ज अंडर यूएपीए एक्यूज ऑफ बीइंग सिमीज मेंबर। ये 2001 के जो जिक्र कर रहे हैं वो डिसाइडेड मैटर है, उसमें 122 लोगों को 30 साल बाद बेगुनाह साबित किया गया। अब ये 122 में से एक ऐसा आरोपी है, आरोपी था, अभी तो आरोपी नहीं बोल सकते, वो आरोपी था जिसने जेल में रहते हुए बुक लिखी कि बेगुनाह कैदी किस तरीके से होते, बेगुनाह तो उन्होंने बुक लिखी। ये अपनी जिंदगी का 30 साल जेल को दे देना, अब जिंदगी में बचा क्या है? आदमी 15, 18, 20 साल, 25 साल का था जब उसको अरेस्ट किया, और जब वो रिलीज होता है, जब बेगुनाह वो साबित होता है, तो उसकी उम्र होती है 60 साल, 65 साल। अब वो अपने बीवी बच्चों के लिए क्या कर सकता है, अपने माँ के लिए क्या किया, उसने अपनी जिंदगी पूरी गवा दी। और ऐसे ये सारे केसेस चल रहे हैं। देखिए, जो भी अगर आरोपी है जिसने स्टेट के, नेशन के अगेंस्ट में कोई काम किया है, कोई भी उसका सपोर्ट नहीं करेगा, ना मुसलमान सपोर्ट करेगा, ना हिंदू, ना क्रिश्चियन, कोई भी उसका सपोर्ट नहीं करेगा। अगर वो आतंकवादी है उसको सख्त से सख्त सजा दो। शरीफ के बारे में कोई आया के बारे में बताया जा रहा है, उनके बारे में नहीं बताया। ये बात तो है आपकी, लेकिन पर्टिकुलरली मुमरा की ही क्यों बताया जा रहा है? मुमरा की पीस को क्यों खराब किया जा रहा है? क्या थाना में नहीं थे? क्या थाना में माजीवाड़ा पे 30 करोड़ का यूरेनियम नहीं मिला था? क्या वही आरोपी को 3 महीने के अंदर हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया FIR की बोल के? सचिन वाजे नहीं, सचिन वाजे का भी एक केस सामने आया, वो यूरेनियम लो बदले में 30 करोड़ रुपए का सोना लो, ऐसे करके न्यूज को मैं आपको वो देता हूँ लिंक, कौन सी न्यूज है। 3 महीने के अंदर कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी किया, उसको बेल भी दिया और उसका केस भी खत्म किया। तो इस तरीके जो ट्रायल होते हैं वो पुलिस पे संदेह करते हैं, ATS पे संदेह करते हैं, लेकिन आपस में जो हम सोसाइटी में रहते हैं वो एक दूसरे को शक की निगाह से नहीं देख सकते। आगे किस तरह का लीगल एक्शन आप उठाने वाले? लीगल एक्शन मैं कुछ नहीं लेने वाला उनके खिलाफ, मैं सिर्फ ये अवेयरनेस के लिए आया हूं इसमें कि कलवा और मुमरा पड़ोस है और दोनों पड़ोस ने एक दूसरे का हमेशा से ख्याल रखा है, तो इस बार वोटिंग है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, तो ये उनके लिए सही बात नहीं है। तो अभी उनको क्या है कि पीस और ट्रैंक्विलिटी प्लीज बना के रखिए। और मुमरा अवेयरनेस की आप बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की आप बात कर रहे हैं, ये तो रीत हो गई है। कोई भी आता है खास तौर से एक कम्युनिटी के खिलाफ कुछ भी बोल के निकल जाता है, सोशल मीडिया पर पूरा फैला भी होता है वो, लेकिन कोई इस पर एक्शन नहीं होता। लीगल आपको एक्शन नहीं ले रहे तो मतलब आप भी कहीं ना कहीं सहमे हुए? ऐसा है जो जो उन्होंने कहा है एक्चुअल में वो चीजें सही है कि ये चीजें हुई हैं, लेकिन उसका आउटकम नहीं आया है अभी तक, या जिसका आउटकम आया है वो निगेटिव आउटकम आया है, वो आरोपी सिद्ध नहीं हुए हैं। तो ये चीजें माशरे को बता के अवेयरनेस ला के लोगों में गलत चीजों का, लोगों के बीच में डर पैदा किया जा रहा है, लोगों के रिलेशन खराब किए जा रहे हैं, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। वो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, ये जो एक्ट है, ये जो चीजें है, ये हुई है, अरेस्ट हुए हैं यहाँ से लोग, ऐसा नहीं हुई, लेकिन सिर्फ यहां से हुए हैं क्या लोग अरेस्ट? पूरे इंडिया में आप मुमरा की बात करते हैं, कलवा में आप आए हैं, आपको मांझीवाड़ा के मैटर नहीं दिखते, आपको मीरा रोड मीरा भाईंदर के मैटर नहीं दिखते, आपको भिवंडी के मैटर नहीं दिखते, आपको सिर्फ मुमरा को क्यों पर्सनल टारगेट करना है? क्योंकि मुमरा इज द लार्जेस्ट गेटो इन इंडिया ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम की सबसे बड़ी आबादी एक साथ इसी मुमरा में रहती है। देव साहब आप क्या बताएंगे? इतना मामला और इंदिरा शहर में मुस्लिम समुदाय के साथ हिंदू समुदाय की काफी संख्या है, क्या बताना चाहेंगे? समुदाय यहाँ पे लगभग 12% के आसपास होगा, सिर्फ यहाँ मुसलमान ही नहीं रहते। तो जिस तरीके से हमारे मुमरा को बदनाम किया जा रहा है गलत बात है, ऐसी बदनामी हमको करनी नहीं चाहिए। आज मैं 2 साल का था जब से मुमरा में रहता हूँ। राजनेताओं की जो इस तरह की टिप्पणियां आती हैं उसको लेकर वही टिप्पणियां बता रहा हूँ। मुमरा का माहौल बहुत ही पीसफुल है, यहाँ कभी दंगे नहीं हुए, लेकिन ये कोई भी नेता आता है कुछ भी बोल के चला जाता है। मुमरा को टारगेट क्यों किया जाता है? यहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, हिंदू भी रहते हैं, और हमारा यहाँ पे भाईचारा इतना अच्छा है, आज तक ऐसी कोई हमको ये सुनने नहीं मिला।
आज मुझे पता है, मैं मेरी अम्मी अगर कोई सामान भी लेके जा रही है घर, हाथ में थैला है बड़ा, तो वहां मुस्लिम बच्चे खड़े रहते हैं, वो ले जाके छोड़ देते हैं मेरी मम्मी को, करते हैं। मैं हूं नहीं हूं, मेरे कोई फिक्र नहीं। मुमरा ऐसा है, मुमरा को प्लीज, मैं बड़े बड़े नेताओं से इतना ही कहना चाहूंगा कि इस तरीके से बदनाम ना किए। सपोर्ट करते थे मुसलमानों का, लेकिन अब वो एक इलेक्शन की जो रैलियां हैं उसमें इस तरह का भाषण कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से राज ठाकरे को मुमरा शहर के लेके क्या मैसेज रहेगा कि क्या क्या मुमरा शहर में है जो आप उनको दिखाना चाहेंगे, ताकि वो ये भी लोगों को बताएं। मेरा कहना इतना ही है, अगर मुमरा की आप सिर्फ बुराई दिखाते रहोगे तो कैसे चलेगा। मुमरा में जितनी अच्छाइयां हैं वो भी कभी आके देखो। आज मुमरा में पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी, हिंदुस्तान के वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की कुदरती विपदा आती है तो सबसे ज्यादा रिलीफ जो है मुमरा से जाता है। एक दूसरा, जब कोविड आया, कोविड के वक्त जब हिंदुओं की लाशें है ना पानी में बह रही, यूपी ले लो, हमारे महाराष्ट्र में तो हमारे चीफ मिनिस्टर इतना अच्छा था कि हमको तो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन गैस भी कम नहीं पड़ने दिया। पूरे हिंदुस्तान में गैस की कितनी किल्लत हो गई थी उस वक्त। उस वक्त यही मुसलमान थे, इन्होंने ही जो हिंदू के भी अगर कोई डेथ हो जाती थी घर में तो उनके बच्चे उसको हाथ नहीं लगा रहे थे, लेकिन ये मुस्लिम लोग थे जो उस वक्त उनको क्या बोलते हैं उसको, वैकुंठ धाम तक पहुंचा रहे थे। तो ये सब चीजें क्यों नहीं बताते हो, सिर्फ सिर्फ बुराइयां बुराइयां। मुमरा में ये हो रहा है, वो हो रहा है, आतंकवादी है ये। अरे अच्छे काम हमारे यहाँ कितने होते हैं वो भी तो देखो। तुम्हाला आडले हे मी तुम्हाला जे दाखवतोय हे फक्त एका मुंबऱ्यातलंय। मी महाराष्ट्राचं बोलत असतानी ठाणे जिल्ह्याबद्दल बोलत नाही, महाराष्ट्र बोलत नाही की देश बोलत नाही, फक्त मुंबऱ्याबद्दल ही गोष्ट तुम्हाला सांगतोय। मुंबरा परिसरात सिमी आतंकवादी संघटनेच्या 6 हस्तकांना अटक। 20 डिसेंबर 2001 रोजी संसद हल्ल्याप्रकरणी अबू अजबा याच्या मुंबऱ्यातून अटक। संसदेमध्ये जो हल्ला झाला होता त्याचा जो गुन्हेगार सापडला तो या मुंबऱ्यात सापडला। 16 मार्च 2002 हिजबुल मुजाहिद्दीनच्या 4 अतिरेक्यांना अटक। 23 जानेवारी 2004 नेत्याच्या हत्येचा कट रचल्याच्या प्रकरणी एका अतिरेक्याला मुंबऱ्यातून अटक। गुजरात पोलीस चकमकीत ठार झालेल्या इशरत जहां शेख ही पण मुंबऱ्यात राहत होती। 2016 मध्ये आयसिसच्या मुजबीर शेख हा मुंबऱ्यात अमृतनगर येथे राहत होता। 17 एप्रिल 2003 रोजी लष्कर ए तोयबाच्या 2 अतिरेक्यांना अटक। 16 मे 2003 मुलुंड बॉम्बस्फोट प्रकरणी मोहम्मद नमोउद्दीन या व्यावसायिकाला अटक। देशद्रोही कारवायांसाठी आत्ताच्या काळात झालेल्या अटका। सप्टेंबर 22 मध्ये मुंबऱ्यातून देशविघातक कारवायांसाठी 4 पॉप्युलर फ्रंटच्या कार्यकर्त्यांना अटक। 2017 मध्ये एटीएसने याच मुंबऱ्यातून 4 जणांना देशविघातक कारवायांसाठी अटक केली आहे। 29 ऑक्टोबर 2023 पॅलेस्टाईनला पाठिंबा देण्यासाठी मुंबऱ्यात निदर्शने झाली। कुठं पॅलेस्टाईन, कुठे मुंबरा। 2017 मध्ये मुंबऱ्यात शमशाद शेख नावाच्या आयसिसची संबंध असल्यावरून अटक झाली। त्यावेळेला सामना मधून अग्रलेखात मुंबरा हे कसं दहशतवादाचं स्थान बनत आहे यावर अग्रलेख पण लिहिला होता। आता नाही बोलणार। ऑगस्ट 2017 मध्ये मुंबरा कौसातून एटीएसने मोठ्या प्रमाणावरती स्फोटक हस्तगत केली, ज्यात 15 किलो अमोनियम नायट्राइट आणि 9 डिटोनेटर्स हे पण सापडले। ऑक्टोबर 2023 मध्ये मुंबऱ्यातून लष्कर ए तोयबा आणि आयएसआयशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून मुंबऱ्यातून काही तरुणांना अटक केली। टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या 2014 एक अहवाल आहे टाटा इन्स्टिट्यूट, ज्यात मुंबऱ्यातील वाढती गुन्हेगारांनी मुस्लिम नेटो करून कसे राहत आहेत यावर चिंता व्यक्त केली आहे। या अहवालातील मुद्दे ड्रग्ज आणि देशविघातक कारवायांमध्ये गुंतलेल्यांमध्ये इथे महिला मुली यांचं रोजचं आयुष्य धोक्यात आहे, हे सगळं तू आपल्या आजूबाजूला चालू आहे। मी लांबची गोष्ट सांगत नाही तुम्हाला। आज माझ्या समोर इथे इतक्या माता भगिनी समोर बसलेल्या आहेत। कोण तुमची रिक्षा चालवतोय, कोण तुमच्या गाड्या चालवतोय, कोणाबरोबर बसताय, कोण तुमच्या बाजूने चाललेला आहे, काही सुरक्षेचा विषयच नाही। आणि सगळ्या अशा परिस्थितीमध्ये जर समजा गेल्या 10 वर्षामध्ये एक गोष्ट जर समजा असेल, ही
जर समजा त्यांना वाटत असेल की नाही आपण जास्ती डोकं वर काढलं तर आपण चेचले जाऊ, हे चेचले जाऊ नये म्हणून आपण काँग्रेसला पाठिंबा दिला पाहिजे. हे काय प्रकारचं षडयंत्र सुरू आहे ना, ही गोष्ट पाहणं तितकीच महत्वाची आहे. माझ्या आमदार खासदार नगरसेवकांना माझं सांगणं आहे, तुम्ही सतर्क असले पाहिजे, तुम्ही या लोकांकडे सतत गांभीर्याने पाहिलं पाहिजे. याच्यामध्ये कधीही चांगला मुसलमान भरडला जाणार नाही याची देखील दक्षता तुम्ही घेतली पाहिजे. पण या सगळ्या गोष्टी करत असताना देशविघातक ज्यावेळेला शक्ती ज्यावेळेला अशा प्रकारे ज्यावेळेला कुठे कुठे काम करत असतात त्यावेळेला आपल्या लोकप्रतिनिधींचं तिकडे लक्ष असलं पाहिजे. विकासाबरोबरच सुरक्षा हा देखील तितकाच महत्वाचा विषय आहे. तो मला असं वाटतं येणाऱ्या भविष्यातल्या या सर्व मंडळी हे आपापले सगळे मतदारसंघ चांगल्या पद्धतीने सांभाळतील या एका अपेक्षेसाठी म्हणून मी याची ही सभा घेतलेली आहे. आज मी श्रीकांत या पुढे नरेश या येणाऱ्या 20 मे रोजी जी आपली 18वी लोकसभेची निवडणूक होणार आहे तेव्हा ठाण्यामधनं श्री नरेश मस्के आणि कल्याणमधनं श्री श्रीकांत शिंदे या आपण प्रचंड मताने आपण विजयी करावं. आज जे मी काही सांगितलंय त्यातला अजून पुढचा भाग हा मी त्यांच्यावर बसून बोलीन पण त्यांच्याकडनं योग्य काम होईल ही अशा अपेक्षा बाळगतो आणि आपण सर्वांची मी रजा घेतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.